हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको जो गाड़ी का मैट है, मैट्रिस है, जो ओरिजिनल मैट्रिस है, उसको आप लोग कैसे साफ करें। ठीक है, तो आजकल तो बारिश के सीजन है, तो बारिश के सीजन में सबसे ज़्यादा गंदा होता है मैट। तो मैट को कैसे आप घरेलू जुगाड़ से साफ करें। जिसके पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है और घर में है, अभी तो बाहर जा नहीं सकते कोविड की सिचुएशन, तो साफ खुद कैसे करें, खुद कार कैसे साफ करें, वो मैं चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैट तो मेरा गंदा हो गया है। ठीक, जब बारिश के सीजन में मैं गया था अभी बाहर, और मेरा 7D मैट भी नहीं लगा है, फ्लोरिंग भी नहीं करा हूँ, नया गाड़ी है, तो मेरा मैट पूरा का पूरा गंदा हो चुका है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अभी क्या कैसे साफ करें। आप होपफुली आपको भी अगर ऐसा हो गया, ऐसा सिचुएशन आया होगा, तो आप भी कैसे ठीक करेंगे इसको। ठीक है, तो मैं ये चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि जो मैं मैट खरीदा हूँ, फ्लिपकार्ट से मैट खरीदा था, तो उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, अगर आप खरीदना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको भी देखिए, अगर अच्छा लगेगा तो बताना उसको कैसा लग रहा है। तो फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। जैसे कि आप देख पा रहे हो, अभी हमारा गाड़ी जो है ये बारिश के टाइम में इतना धूल मिट्टी जम गया है मैट्रेस के ऊपर। जो ओरिजिनल मैट्रेस दिया हुआ है उसके ऊपर देखो आप, इतने सारे धूल मिट्टी जम गया है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, अब आप एक बार देख लीजिए। अब हम वैक्यूम क्लीनर से आप लोग निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपके घर पे वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो आप कैसे निकालोगे। तो आपको क्या चाहिए, जो एक ब्रश चाहिए, ठीक है, इस तरह से कुछ ब्रश चाहिए। इस ब्रश में आप इस ब्रश से निकाल सकते हो, या फिर जो शू पॉलिश का जो ब्रश आता है उसमें से भी निकाल सकते हो। और ये मिट्टी निकालने के लिए ये वाला एक चाहिए, ठीक है, ये दो चीज़ हमको चाहिए। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको इस तरह से, जो भी मिट्टी है इसको इकट्ठा कर लेंगे। पहले आप ये जो ब्रेक पेडल है, एक्सलेशन पेडल है, इससे आप निकाल लो मिट्टी जो भी है। फिर ये ऊपर से अच्छे से कोने से साफ कर लो। देखिए जो धूल है उसको अभी हम धूल है हमेशा मैट डालो या फिर फ्लोरिंग कर दो, ताकि मिट्टी और धूल जो है वो मैट में ना जाए। तो हम लोग इसके बाद मैच चलाने वाले हैं, वो भी वीडियो करके दिखाऊंगा कैसे मैच डालेंगे हम। इसके ऊपर धूल चिपक जाता है। कोने से भी निकाल लो अच्छे से।
आप देख पा रहे हो हमारा काफी धूल मिट्टी निकल गया है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, जो रेस्ट ऑफ धूल बचा है इसको इस तरह से इसको निकाल देना है। जो भी धूल होगा इसमें चिपक जाएगा और आपका मैक्सिमम क्लीन हो जाएगा। ये वन टाइप ऑफ जुगाड़ है, इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए सारे धूल मिट्टी इसमें चिपक गया। तो अभी मेरा फ्लोर जो है साफ हो चुका है, और साफ होने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो ये काफ़ी क्लीन हो चुका है अभी, ठीक है। अब मैं इसमें मैट डालूँगा, जो 7D मैट मैंने ख़रीदा हूँ फ्लिपकार्ट से, उसको मैं दिखा देता हूँ। वो कुछ इस तरह से पैकिंग में आता है मैट, और इसको चलिए मैं इसको खोलता हूँ अभी। पैकिंग तो अच्छा ही है। अब मैट आप देख लो, ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन है। ये आपका नूडल मैट है, जो यहाँ से ये ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये हाफ मैट है, फुल 70 जो मैट है वो नहीं लाया हूँ मैं। तो मुझे पता नहीं था कि किस तरह से आता है किस तरह से नहीं आता है, तो आप इसको लगाने के बाद मुझे बताना कि ये हमारे गाड़ी के लिए सही लग रहा है या फिर हमको फुल मैट कवर चाहिए, ठीक है। तो एक बार मैं इसको लगा के देखता हूँ। ये वाली जो है ये ड्राइवर साइड लगेगी, तो इसको हम इधर डालते हैं, तो साइड में रखते हैं। गया मेरा ऊपर, ये हो गया मेरा मैट लग गई। ये थोड़ी सी इधर फिटिंग में मेरे को इशू लग रहा है, जो फुट रेस्ट है उसमें सही से नहीं जा रहा है, तो ये कुछ इस तरह से लग रहा है। तो आप दिखा देता हूँ कैसे लग रहा है, तो आप मुझे बताइए कि ये मेरे गाड़ी के लिए सही है या मेरे को फुल 70 मैट लगाना है। ये हाफ वाला 70 मैट है। पैसेंजर साइड में मैं लगा देता हूँ, को ड्राइवर साइड में पीछे, यहाँ पे तो पूरा फिट हो गया। ये है कुछ इस तरह से दिख रहा है आपको। इसमें यहाँ पे पैर अटकेगा नहीं आपका, क्योंकि पैर इधर आता है। कुछ कुछ 70 मैट में मैं देखा हूँ पैर यहाँ पे रख जाता है, तो ये ज़्यादा आगे हो जाता है तो पैर रखता है, ठीक है। ये यहाँ पे ये वाला सही है, यहाँ पे जूता फिसेगा नहीं, फंसेगा नहीं।
अब मैं पीछे के साइड में लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पीछे वाली मैट हमारी लग गई है, तो आप इसका फिटिंग देख सकते हो किस तरह से हुआ है। प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका फिटिंग कैसा है और ये सही है या फिर मेरे को फुल 70 मैट लगाना चाहिए। मेरा गाड़ी का रनिंग उतना ज़्यादा नहीं है, ओकेजनली कभी कभार लॉन्ग ड्राइव में जाते हैं या फिर हम लोग अपने गांव में जाते हैं। ये मेनली मोस्टली फैमिली पर्पोज़ के लिए हम खरीदे हैं। फैमिली कभी ट्रैवल करती है, गांव में जाता है या फिर कभी टूर करते हैं, तो हम लोग इसके लिए खरीदे हैं, तो इसलिए मैं हाफ मैट कवर ख़रीदा हूँ। तो ज़्यादा यूजेस है नहीं, तो इसीलिए। तो काइंडली आप लोग मुझे बताओ कि ये सही लग रहा है या कैसा लग रहा है। आगे वाला मैं दिखा देता हूँ, आगे में इस तरह से है। को ड्राइवर साइड में इस तरह से कुछ दिख रहा है। ये गाड़ी अल्ट्रोज की एग्जेड प्लस आई टर्बो वेरिएंट है। अगर आप कुछ अलग चीज़ आप जानना चाहते हो गाड़ी के बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।